अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल ने मुख्य आतिथ्य में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के इन्वायरमेंट एंड हाउस कीपिंग मैनेजमेंट के तत्वाधान में ENHM के प्रमुख यांत्रिक इंजीनियर अरविंद कुमार पांडे के निर्देशन में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ENHM की देखरेख में गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता उपकरणों सामग्रियों एवं कोरोना से बचाव की सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई तथा स्वच्छता तथा कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम पर पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड के सदस्यों एवं कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के आरंभ में अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल एवं अन्य विभागाध्यक्षों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक एवं अन्य प्रमुख विभागाध्यक्षों ने स्वच्छता बैनर पर अपने विचार लिखे। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष वरिष्ठ रेल अधिकारी स्वच्छता कर्मी कार्यकर्ता रेलकर्मी एवं यात्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी एवं COVID-19 के अन्य प्रावधानों का पालन किया गया। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे LC त्रिवेदी ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतिम दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गंदे स्थानों जैसे ड्रेनेज एवं सीवर की सफाई मैकेनाइज्ड रूप से कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि नालियां ढकी होनी चाहिए। महाप्रबंधक ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए ENHM अनुभाग के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज हम गांधी जी के जन्मदिन पर एकत्रित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर महात्मा गांधी ने थर्ड क्लास में रेल से पूरे देश की यात्रा कर लोगों का हाल जाना एवं स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। गांधी जी स्वयं सफाई करते थे जबकि हम अपने घर के अंदर की सफाई करते हैं और बाहर की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें गांधी जी के स्वच्छता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता कार्यों में योगदान देना चाहिए। पूर्वोत्तर रेलवे में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया गया है जिससे विशेष रूप से ध्यान देते हुए सघन साफ सफाई एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। हमारे इस कार्यक्रम में समय निकाला और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। मैं PC अम्बी सर, TCO सर, TCSC सर और PC अम्बी सर का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने करूंगा।
शर्म स्वीकार करते हैं। देखा आप लोगों ने हमारी छोटी छोटी सावधानियों से यहाँ से कोरोना तो भाग गया, परंतु इस समाज से, इस देश से और इस दुनिया से भी नहीं भागा है। यदि आप सब लोग साथ देंगे तो हम कोरोना से जीतेंगे, कोरोना से जीतेंगे। क्या आप सब लोग हमारा साथ देंगे? हाँ, देंगे। आज हम लोग गांधी जी के जन्म को लेकर एकत्रित हुए, उनका 114वां जन्मदिन है। उनका जन्म 1872 साल पहले पोरबंदर में आने के लिए था। आज हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पे हैं, जब वो हेरिटेज का रेलवे स्टेशन का इस समय कुछ जाना है, पर अभी अभी आप देखेंगे उसमें काफी उसका गांधी जी का रेलवे क्योंकि जब वो कह रहे हैं अलग अलग टाइम से चढ़े होते हैं सर।
इससे ज्यादा बड़ी बात हो सकती है कि उन्होंने देश के बारे में जाना और देश को समझा और बाद में किसी तरीके को आगे अंतर उद्योग में लाए और इसीलिए उनकी रात्रि की जो यात्रा थी जो संक्रांति यात्रा की शुरू से लगा थी उनको भी देश के बारे में मिली थी साथ साथ जाने में उनके भवन को रखा गया था वो यात्रा द्वारा स्वच्छता में बहुत बड़ा संबंध है। आज हम लोग आपरेट को करने के लिए आज यहाँ स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेवारी इतनी जरूरी है कि बड़ी मजबूत है। हम लोगों ने सबसे सुना है कि यूनिवर्सिटी है देश की बढ़ती है, उन्होंने ये बोला था कि उस जमाने में जबकि वो दूसरे मेहनत कर रहे थे कि दूसरा से ज्यादा बच्चों को स्वच्छता तो ये जो है उनका अभियान ये साउथ अफ्रीका में ही शुरू हो गया था। उन्होंने वहां पर साउथ अफ्रीका में अल्लाह कम्युनिटी में शुरू कर दी साफ बात में होता है हमारी हर स्टेशन एक संदेश है पूरे देश के लिए।
जो जितना अच्छा हम उसको लेट देंगे उतनी अच्छी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित जो रेलवे के जितने सफाई से संबंधित कर्मचारी हैं वो एक बात को समझे, उनका रोल कितना महान है, कितना उच्च है और कितना इंफ्लुएंशियल है।